हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर CONCAF चैंपियंस कप का मैच हो रहा है। इन दोनों टीम्स के बीच एक मैच हुआ था आज से अपना एक हफ्ता पहले, जो कि खेला गया था रात को, मतलब इंडियन टाइमिंग में ये मैच लगभग 11-12 बजे था। और ये मैच मैंने कवर किया था और इस मैच में वो अल्ट्रा क्लीन स्वीप लगी थी, क्लियरली पहले ही बोल दिया था ये जैकपॉट है। और आज फिर बोल रहा हूँ ये जैकपॉट है। अगर आप इस मैच के लिए 5 बजे उठते हो, 5:15 उठते हो, तो आपके लिए ये मैच जैकपॉट है। मतलब इसमें मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, जो लोग खेलना चाहते हैं वो बिना डरे खेल सकते हैं, बस मैं उनको बदल रहा हूँ। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, जो भी ओपन टीम आएगी वो इधर आएगी। और जैसे कि शनिवार आने वाला है और शनिवार को भाई दिन की 2-2 टीमें ओपन, ज़बरदस्त मैच। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल। और इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना ईजी मैच है, इतना अच्छा मैच है इन दोनों टीम्स के बीच। जो मैच हुआ था हफ्ता पहले, वो 4-0 से इंग्लैंड ने जीता था और एक्सपेक्टेड था भाई, 4-5 गोल तो आम आने थे। और आज फिर कह रहा हूं, आज भी आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्राइकिंग की। देखिए भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर इनका एक प्लेयर है चैंकले, और चैंकले से बेहतर कोई नहीं। मतलब मेरे को न्यू इंग्लैंड रिवॉल्यूशन के अंदर कहीं प्लेयर अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे को उनमें से चैंकले मोस्ट गोल करने वाला प्लेयर दिखाई देता है भाई। क्योंकि अभी मैं जो एनालाइज कर रहा हूं उसमें तो मेरे को सिर्फ इसका नाम हाईलाइट दिख रहा है भाई, वो भी बोल्ड अक्षरों में, तो इसलिए मैं इसको ज़रूर लूँगा। उसके बाद बी वुड खेले ना खेले, लेकिन विरोनी इज़ मेन। विरोनी एक वाइस कैप्टन का काम कर सकता है। वैसे पिछले मैच में गोल आ सकता था, लेकिन वो इतने गोल हो गए कि बाद में जैसे 4 गोल होने के बाद कोई टीम ट्राई गोल की नहीं करेगी, फिर वो ये करेगी कि 4 गोल कर दिए हैं, बस सामने वाली टीम्स के गोल रोकने में ध्यान दें। मतलब विरोनी का प्रदर्शन उसमें बहुत डिसेंट था, अपने गेम प्ले में मेहनत की, अपनी टीम का साथ भी दिया, लेकिन गोल नहीं आया, लेकिन मैं लूँगा। और मिडफील्डिंग की बात करें, देन मैं इस प्लेयर की बात करूँ तो देखिए, एस्मिर को आप इतना हाईलाइट मत करो, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्लेयर है। आप लोगों ने इतना, अगर आप दिमाग पे बात को चढ़ाओगे बहुत दिक्कत करो, मतलब हो जाएगी। और ऐसा करो आप, जैसे कि एनगिल ने प्रीवियस मैच में जो गोल किया था, दैट्स अ नॉर्मल गोल, एनगिल के लिए आम बात है। और सी गिल बहुत मेन प्लेयर है। मतलब सी गिल का क्या है, एनगिल से बहुत बेहतर है सी गिल। पहले तो आप इन दोनों को लो, उसके बाद ना आप कई लोग बोलेंगे तूने एम कए को नहीं लिया। देखो भाई, अब मैं सबको तो ले नहीं सकता, और मार्क एंथनी कहे, मैं तो कहता हूँ भाई बाप खिलाड़ी है वो, एकदम मेरे को एम पॉल्स्टर बिल्कुल नहीं पसंद, तो मेरी नज़र में तो एम कहे है। तो जिन लोगों ने एम कहे को लेना है, वो एन गिल के बदले सिर्फ तब लेंगे अगर वो नहीं खेलेगा। अगर इन चारों प्लेयर में से कोई नहीं खेलता, मान लो इन चारों में से कोई नहीं खेलता, तो आपने उसकी जगह पर एम कहे को लेना है, क्योंकि एम कहे एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है। अब ऑपोजिशन टीम की बात करें तो देखिए, उनकी टीम में भी ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन मैं कैम्बेल के साथ जाऊँगा। कैम्बेल के बाद अपना इनका कैम्बेल तो देखो मेन है, पहले अनदर लीग में खेला करता था, अब यहाँ पर है। और यहाँ पर बात करें मिडफील्डिंग की, तो इनका एक प्लेयर है जिसका नाम है कैडेनो, इसको लूँगा। और बाकी आप ये जो जितने प्लेयर देख रहे हो ना, लाइक वो कोई भी हो, कैंपस हो, बॉर्जी, तो यार ये किसी काम के नहीं। मतलब ये तो है सरदर्दी, मैं अब ए सॉरस को ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है इस बंदे ने कुछ नहीं करना, अगर कर गया तो वो इसके लिए अच्छा है, मेरे लिए क्या होगा यार। और डिफेंडिंग की अगर बात करें, देन डी जॉन्स और रोमने नहीं छूटने चाहिए। और लीमा की बात करूँ, लीमा थर्ड डिफेंडिंग में छूट भी जाएगा, दिक्कत नहीं, लेकिन फोर्थ डिफेंडिंग जो भी करेगा जरूर लेना, भले वो एच कैसलर हो, भले वो बी बाय हो, को भी हो, कोई भी हो, अभी मैं फेरल को सेव कर रहा हूँ। और गोलकीपिंग की बात करें, देन एल मोरेरा के साथ जाऊँगा। बात करें कैप्टन की, कैप्टन पता नहीं लोगों ने एन गिल को क्यों रख लिया भाई, मेरे को तो किसी काम का नहीं लग रहा। चैंकले को रखो, क्यों इतना उधर भटक रहे हो। और वाइस कैप्टन आप ऐसा करो, सी गिल या विरोनी में से किसी को रखो, प्लीज डोंट मिस्टेक, गलती मत करना। एन गिल के साथ जाने वाले तो खुद पछताएंगे, ये 60% लोग, आप मत पछताओ भाई, आपके पास टाइम है, आप वीडियो देख रहे हो, आप अपना वाइस कैप्टन एन गिल के बजाय किसी को भी रख लो। आप सी गिल, मेरे को सी गिल पे डाउट है गोल आएगा, और विरोनी पे भी डाउट है, तो मैं विरोनी के साथ हूँ। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।